राधे राधे दोस्तों, आज हम बर्फी बनाने वाले हैं। देखिए कितनी सुंदर बर्फी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नारियल का चूरा लिया है, तो नारियल का चूरा देखिए थोड़ा सा मोटा आता है, बाहर से लेके आते हैं तो उसको मैंने मिक्सर के जार में डाल के खूब अच्छे से पिसाई कर ली है। देखिए एकदम महीन, एकदम बारीक कर लिया है, तो डाल लेती हूँ। चीनी ली है, तो चीनी को मैंने अच्छे से बारीक पीस ली है, एकदम आटा के जैसे पीस लिया। उसको भी, नारियल को भी वैसे ही पीसा था और इसको भी ऐसे ही पीस ली हूँ, तो डाल देती हूँ। ये मैंने मिल्क पाउडर है एक कटोरी, तो ये एक कटोरी मिल्क पाउडर है, एक ही कटोरी मैंने चीनी ली थी जो उसको पीसी हूँ, इसीलिए थोड़ा सा फूला फूला लग रहा था, तो इसी में डाले थे। नारियल का चूरा मैंने डेढ़ कटोरी ली है, ध्यान रखना है, नारियल का चूरा डेढ़ कटोरी ली है, तो ये डाल लेती हूँ। मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी इलायची पिसी हुई है फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा लगता है खुशबू में। अभी ये मिला लेती हूँ। ये मैंने कच्चा दूध लिया था, तो दूध को मैंने थोड़ा थोड़ा डालना है, कभी भी आप ख्याल रखना है, ये सब चीजें बनाते हैं मिल्क पाउडर वाली, तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हैं, चम्मच ही लेना, कटोरी से कभी भी नहीं डालना, मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। देखिए तैयार हो गया है एकदम बढ़िया से गूंद के। ये इतना दूध ली थी कटोरी छोटी सी, तो ये दूध बच गया है। दूध को कभी भी इसमें डालेंगे तो चम्मच से डालना, कटोरी से कभी नहीं डालना है, क्योंकि माल बिगड़ जाएगा। तो अब मैं, या तो आप कोई बर्तन ले लीजिए, जो बर्तन में भर के बराबर 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 कर लीजिए, या ऐसे भी आपको अंदाज हो तो बराबर कर सकते हैं। देखिए ये बराबर हो गया है, मैं चार उंगल ऐसे ले ली हूँ, दो उंगल इधर में, दो उंगल इधर में, इधर से मैं बीच में कट कर लूंगी। तो आधा मैं साइड कर देती हूँ, आधा में थोड़ा सा जो बूंदी, जो कलरफुल बूंदी नहीं बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, वो वाला कलर है बूंदी, हलवाई लोग रखते हैं, तो वो कलर मैं डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बनके तैयार हो गया है। ये कलर सादा है और ये कलर थोड़ा तोता कलर दे दिया है। मैं थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेती हूँ, घी लगाने से क्या होगा कि अपने हाथ में चिपकेगा नहीं, तो ये ऐसे फिर इसको आधा आधा कर लेती हूँ, बराबर बराबर में, चाहिए तो आप कटोरी वटोरी का सहायता से कर लीजिए। देखिए हो गया, इसी को भी ऐसे ही कर लूंगी बराबर बराबर, फिर घी का हाथ ले लूंगी, चिपकेगा नहीं, ये जो चीनी है ना ये चिपकती है, इसीलिए थोड़ा घी का हाथ बार बार लगाते रहना। अब हम इसको धीरे धीरे कर लेंगे ऐसे, आपकी जितनी भी लंबाई ऊंचाई देनी है उसी हिसाब से आपको कर लेना है, बराबर करना है एकदम। अब ये चौकोर ऐसे, देखिए इसी तरीके से लंबा लंबा बना लेना है। इसमें क्या करते हैं, आपको ऐसे नहीं समझ में आए चौकोर बनाने में, ऐसे बराबर बराबर का, तो आप स्केल वगैरह रख लीजिएगा ऐसे, हम ये स्केल के बिना ही बनाए हैं, तो ये व्हाइट वाला भी हम ऐसे ही बना लेना है, इसी के बराबर का नाप लेना है, बड़ा हो तो थोड़ा सा ऐसे कर देना है, इस तरीके से बना लेनी है। देखिए बराबर बराबर ऐसे चौकोरी रखनी है, बराबर होना चाहिए, नहीं तो शेप अच्छा नहीं आएगा, आप कटिंग करेंगे उस टाइम में, बस। दूसरा भी मैं इसी तरीके से बना लूंगी और धीरे धीरे उंगली के सहारा से ऐसे इसको चौकोर शेप दे दूंगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ।
और ये ग्रीन वाला भी ऐसे ही बना लेना है। अब चारों ये चिपका ली हूँ अच्छे से, अब ज़्यादा भी बना सकते हैं। और फिर ये जो मैं ये जो रोटी रखने वाला किचन पेपर होता है वो वाला पेपर है, तो इसे ऐसे रख देंगे, ऐसे धीरे धीरे लपेटने में सही रहता है इसका। ये है कि शेप सही आता है इसीलिए ये पेपर लिया जाता है ऐसे ऐसे करते हैं। इसी को भी ऐसे करते हैं दोनों तरफ से, फिर ऐसे ऐसे शेप सही बनाना है। अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब ये एक दो घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, और फ्रीजर में रखना है जल्दी है तो आप 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ज़्यादा तो नहीं रखना है, 20 या 15 मिनट या 10 मिनट इसके बीच में रखना है, तो फ्रिज में रख देंगे। देखिए खोल लेते हैं, फ्रिज में से निकाल लिए, आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं आपकी मर्जी। बढ़िया सेप आया, चिपक गया था, नहीं ठूकने में दिक्कत हो रहा है। देखिए ये एकदम बढ़िया से सेप आ गया है, टाइट भी हो गया है, तो हम इसको कट कर लेते हैं अपने हिसाब से, या चौड़ाई में या कोई भी तरीके से आप काट लीजिएगा। देखिए बर्फी बनके तैयार हो गई है, खूब ही शानदार, खूब ही सुंदर है, किसी को नाश्ता देने में भी बहुत सुंदर लगेंगी, एकदम सिंपली है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एकदम शांति से बन जाएगा, नहीं तो गैस चलाना पड़ता है, नहीं कोई और, बहुत ही सुंदर लगेगी। आप कोई भी पर्व त्यौहार पर बना सकते हैं, लेकिन एक तो स्पेशली रक्षाबंधन आ रहा है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दिए हो तो बेल घंटी को दबाना ना भूले ताकि आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और मिलते हैं अगला वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी।